क्या हमारा सीपीयू टाइम टू टाइम स्लो हो जाता है? आपको भी ये क्वेश्चन कभी ना कभी आया होगा। सो आज की ये वीडियो आपके इसी क्वेश्चन का जवाब देगी। हे गाइस, दिस इज प्रितेश एंड यू आर वॉचिंग टेक एक्स। अगर आपको भी मेरी तरह ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो जरूर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस उसके कोर्स, क्लॉक साइकिल, सीपीयू की लेटेंसी पर डिपेंड करती है। एंड सीपीयू में कोई मूविंग पार्ट्स तो होते नहीं कि वो टाइम के चलते बिगड़ने के चांसेस हो उसमें। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती है जो डैमेज हो सकती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स और अ बैड कूलिंग सिस्टम। लेट्स टेक अ एग्जांपल। अगर हम एक न्यू बॉक्स सीपीयू ले, जैसे कि राइजन 5 3600, एंड दूसरी साइड एक पुराना एकदम यूज्ड सेम 3600 सीपीयू ले, यूज्ड एंड न्यू सीपीयू दोनों की परफॉर्मेंस सेम ही आने वाली है, हमें कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलने वाला। आजकल के जितने भी न्यू प्रोसेसर्स आते हैं वो सब अगर टेम्परेचर उनकी लिमिट से अगर ज़्यादा बढ़ रहा हो तो वो अपने आप को अंडरक्लॉक कर लेते हैं, मीन्स के वो प्रोसेसर अपनी क्लॉक स्पीड्स को खुद ही कम कर देगा। थियरी वाइज एक सीपीयू को उसकी एंटायर लाइफ सेम स्पीड पर ही रन करना चाहिए, बट कई बार हमारे प्रोसेसर की स्पीड इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि जो डस्ट हमारे हीट सिंक पर जमा हो जाती है एंड जो प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट लगा होता है ना हमारे हीट सिंक पर, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है एंड इसी वजह से वहाँ टेम्परेचर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। इन द अदर साइड, पुअर मेंटेनेंस एंड चीप कंपोनेंट्स ही हमारे पीसी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, ना कि उसकी एज। सीपीयू उसकी पूरी लाइफ साइकिल में उतनी ही परफॉर्मेंस देगा जितनी वो न्यू था तब देता था, उसकी परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो गुड बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।